बड़ी खबर चित्रकूट से बताई जा रही है। हाई सिक्योरिटी जिला कारागार में आज कैदियों के बीच खूनी संघर्ष। गैंगवार में 3 खतरनाक कैदियों की मौत हो गई है। सुबह 9:45 बजे जहाँ पर खूनी संघर्ष में मुख्तार कैदी अंशुल दीक्षित ने पहले गोली मारकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खतरनाक कैदी मुकीम कला और बनारस के मेरउद्दीन की हत्या कर दी। उसके बाद अंशुल दीक्षित को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। घटना के बाद सूचना पर SP और जिला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। SP अंकित मित्तल ने कहा कि जेल अधीक्षक SP त्रिपाठी ने सूचना दिया था कि जेल में बंद कैदी अंशुल दीक्षित द्वारा है अपने सह कैदियों पर पिस्टल से फायरिंग की जा रही है, जिसमें पुलिस फोर्स के साथ जेल में आने पर पता चला कि कैदी अंशुल को गोली से जहां पर मुकीम कला और मेरउद्दीन अहमद नाम के कैदी की मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने हथियारे कैदी अंशुल को सरेंडर करने के लिए कह दिया। प्राइम बेकिंग न्यूज चैनल के लिए आप देख सकते हैं खास रिपोर्ट अश्वनी सिंह। आज सुबह लगभग 9:30 बजे के करीब जेल सुप्रिंटेंडेंट द्वारा सूचना दी गई कि एक बंदी द्वारा अपने सहबंदियों पर फायरिंग की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल मैं और DM साहब और साथ में पूरी जनपद की पुलिस बल जो है वो यहाँ घटनास्थल पर आए। जब घटनास्थल पर पहुँचे तो उक्त बंदी द्वारा हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग की जा रही थी और मौके वारदात पर 2 बंदियों को उसके द्वारा गोली मार दी गई। इस पर हमारे द्वारा पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी की गई और उक्त अभियुक्त जिसका नाम बाद में अंशु दीक्षित पता चला उसको आत्मसमर्पण हेतु बताया गया। बार बार उसे सरेंडर के लिए कहे जाने के कारण उसके द्वारा आत्मसमर्पण नहीं किया गया, परंतु पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस पर आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा उक्त अभियुक्त पर फायरिंग की गई, जिससे उसको गोली लगी। हम लोग स्वयं घटनास्थल पर मौजूद हैं, फील्ड यूनिट यहाँ गई है। उक्त अभियुक्तों में से जो मरे हैं उसमें एक का नाम मुकीम काला, जो कि शामली का रहने वाला था, के रूप में चिन्हित हुआ है, जिसके ऊपर लगभग 65 मुकदमे हैं। दूसरा व्यक्ति जिसका नाम महराज है, जो कि बनारस का रहने वाला है, उसके ऊपर अभी तक 3 मुकदमों की जानकारी हुई है, शेष 12 में से पुलिस से जानकारी की जा रही है। और तीसरा जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है, अंशु दीक्षित, वो सीतापुर का रहने वाला था और सुल्तानपुर से यहाँ प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर आया था। उसके ऊपर भी अभी तक 8 मुकदमे पता चले हैं हत्या के प्रयास और रंगदारी के। शेष विधिक कार्रवाई हम लोग जुडिशियल इंक्वायरी करा रहे हैं और जिला जज साहब को इसकी सूचना दी। देखिए, जांच का विषय है, जिला कारागार जो है इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा DM साहब जिला कारागार जो अथॉरिटीज हैं उनको लिख के भेज रहे हैं, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई। कौन सा असलाह बरामद हुआ उसके पास से जिससे गोली चलाई उसने? देखिए, ये सब फील्ड यूनिट मौके पे है, वो कब्जे में ले रही है, जैसे डिटेल मिलेंगी फिर आपको बता। DM साहब जिला कारागार जो अथॉरिटीज हैं उनको लिख के भेज रहे हैं, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई। कौन सा असलाह बरामद हुआ उसके पास से जिससे गोली चलाई उसने? देखिए, ये सब फील्ड यूनिट मौके पे है, वो कब्जे में ले रही है, जैसे डिटेल मिलेंगी फिर आपको बता। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।